जम्मू कश्मीर में अचानक से रोकी गई अमरनाथ यात्रा, एडवाइजरी जारी होने और घाटी में सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती के बाद सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। देखिए, वहाँ पर बहुत से सबूत मिले हैं, माइन दबी हुई मिली हैं वहाँ पर, जो पाकिस्तान से वहाँ भेजी गई हैं। किस तरह से आई हैं इस पे अभी तहकीकात हो रही है, लेकिन आतंकवाद को देखते हुए अगर सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है कि वहाँ से तुरंत वापसी की जाए पर्यटकों की, तो ये बहुत सुखद बात है, क्योंकि सरकार को फिक्र है कि वहाँ इस प्रकार की कोई घटना ना हो जाए जो बड़ा हादसा बन जाए। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर जितने जवान चाहे केंद्र सरकार तैनात कर सकती है, लेकिन घाटी का माहौल खराब न किया जाए। आप 15,000 या 20,000 या 25,000 चाहे सैनिकों को आप बढ़ाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं, पर जो भारत का एक अभिन्न अंग है उसमें आप दहशत का वातावरण न बनाए। ये भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों में ये वातावरण कि जो देश प्रेम का है कहीं वो भटकाव में न हो, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट विमल नोटियाल ने सरकार के कदम को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पहली बार एक मजबूत और दृढ़ सरकार है जो कश्मीर की समस्या हल करने को तैयार है, और डरे हुए हुए हैं जो बदमाश हैं, जो मन से पाकिस्तानी हैं, जिनके अंदर पाकिस्तान की आत्मा घुसी हुई है, और जो पाकिस्तान परत हैं, ये हुर्रियत वगैरह, और मुफ्ती सैयद और फर्रुख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, इनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, लोग इनकी बातों पर नहीं आए। सरकार ने स्वयं खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल देखना होगा कि कश्मीर कब तक अलर्ट पर रहता है, कश्मीर में हालात सामान्य होंगे या फिर हालात और बिगड़ेंगे। R9 TV के लिए देहरादून से प्रतीक पाठक की रिपोर्ट।